नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज बनाएंगे हेल्दी और फटाफट बन जाने वाला चावल के आटे का डोसा। चावल के आटे से बनने वाला ये डोसा इतना क्रिस्पी और करारी होता है कि मुंह में पानी आ जाएगा, देखते ही मन करता है कब बना के खा जाऊं। तो चलिए फटाफट बना के रेडी कर लेते हैं ये जालीदार और क्रिस्पी करारी डोसा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बना के रेडी कर लेते हैं क्रिस्पी करारी डोसा। इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप चावल का आटा। इसमें डालूंगी बारीक घिसे हुए गाजर, बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। आप अपने हिसाब से सब्जियां मिला सकते हैं इसे और हेल्दी बनाने के लिए। मैं इसमें बस गाजर, प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ और पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी 2 कप पानी डाला है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो बाकी डोसा बनाते हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, लेकिन हम लोग ये जो चावल के आटे का डोसा बना रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन होनी चाहिए, पतली सी। यहाँ पे थोड़ा सा और पानी मिलाऊंगे इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर को बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी में रखनी है, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने तवे को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसे ब्रश की हेल्प से तेल लगाएंगे और थोड़ा सा पानी गिराएंगे, की हेल्प से अच्छी तरीके से एक बार साफ कर लेंगे। तवा बिल्कुल रेडी है डोसा बनाने के लिए। तब इस पे बैटर डालते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए। कंसिस्टेंसी फिर भी थोड़ी सी मोटी मैंने रखी है, आप चाहें तो इससे भी पतली कर सकते हैं, वो ज़्यादा क्रिस्पी होती है। मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके से डोसा बनाना सिखाऊंगी। तो पहला तरीका ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी थी, इसे थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो ब्रश की हेल्प से चारों तरफ तेल लगा देंगे कि हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनी। अब एक साइड से अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुका है, तो अब दूसरी साइड को चेंज कर लेंगे। देर बाद उस साइड को भी चेंज कर लेंगे। थोड़ी देर इसे भी थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। थोड़ी देर के बाद से ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है। ये रहा हमारा पहला डोसा, थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा क्रिस्पी है, दोनों कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की और दूसरे तरीके से डोसा बनाना सिखाती हूँ आपको। मैंने थोड़े से पानी मिला के कंसिस्टेंसी को और थोड़ा सा पतला कर लिया है और चारों तरफ तवे पे अच्छी तरीके से गिरा लेंगे। तो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तवे पे बैटर को डाल लिया है। अब एक साइड से अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इस पे भी अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे ताकि हमारी डोसा जो है बिल्कुल क्रिस्पी करारी हो। फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग किए थे बिल्कुल यहाँ पे, हमारी क्रिस्पी करारी डोसा बनके रेडी है। चलिए फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं हमारी क्रिस्पी करारी डोसा। देख सकते हैं चावल की आटे का कितना क्रिस्पी और कितना हेल्दी डोसा बना के मैंने रेडी कर लिया है। देख कर ही बता सकते हैं कि ये डोसा कितना क्रिस्पी और करारी बनके रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्पायर कीजिए चावल की आटे का डोसा, ना सूजी की जरूरत पड़ेगी, ना इनो, ना सोडा, फटाफट बन के रेडी हो जाएगा क्रिस्पी करारी डोसा। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।